नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDD News पर। दोस्तों अभी अभी यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है शिक्षक भर्ती को लेकर, उस खबर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या न्यूज़पेपर की कटिंग में आया है सब कुछ यहाँ पर समझाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब दोस्तों यहाँ पर आ गए हम पेपर की कटिंग में। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षकों के 35,690 पद खाली बताए गए हैं और परीक्षा लेकर कहा कि भर्ती में 5,670 पर ही है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कहा गया है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। भर्ती परीक्षा का मामला है, अब हाई कोर्ट में सरकार को बताना होगा कारण। दोस्तों इसके ऊपर यहाँ पर पूरा विश्लेषण है, पूरा यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूरे पेपर को अच्छी तरीके से और समझने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों भर्ती में विसंगतियाँ ऐसी है कि सामाजिक विज्ञान और हिंदी में केवल 160 पद हैं जबकि रिक्त पदों की संख्या 5,670 हैं। अब मतलब कि अभी तक जो है यहाँ पर पद यहाँ पर घोषित किए गए हैं कि 160 पद रिक्त हैं, लेकिन ओरिजिनल में जो रिक्त पद हैं वो 5,670 हैं। अब दोस्तों चार विषयों में क्वालिफाइड दावेदार 1.5 लाख जबकि 228 को ही मिलेगी नौकरी। दोस्तों यहाँ पर जो है चार विषयों को मिलाकर जो क्वालिफाइड दावेदार जितने भी हैं 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सिर्फ 228 की ही वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई, तो ऐसा घोर अन्याय क्यों किया गया। अब दोस्तों इसके बारे में और भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे इसे क्या यहाँ पर जो है बात बताना चाह रहे हैं। तो प्रदेश में शासकीय स्कूलों में वर्ग 2 के शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को तलब किया है। पदों की संख्या घटाने को लेकर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने 18 सितंबर को जवाब पेश करना है और आक्रोशित प्रतिवादियों का कहना है कि पद घटाकर सरकार ने उनके साथ छल किया है। सरकार ने परीक्षा के पहले 35,690 पद खाली बताए थे, लेकिन परीक्षा के बाद 5,670 पद ही पर भर्ती कर रहे हैं। जैसे आपको बता दूं कि मिडिल स्कूल में शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB से 2018 में वर्ग 2 के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई थी। परीक्षा से पहले विभाग ने सभी विषयों में रिक्त पदों की संख्या में बताई गई थी। इससे उत्साहित होकर लाखों बेरोजगार युवा ने परीक्षा में शामिल हुए थे। लंबे इंतजार के बाद जब मेरिट लिस्ट जारी हुई तो उस वक्त जो है पदों की संख्या देखकर उम्मीदवारों के पैर से जमीन खिसक गई थी और यहाँ पर जो है यानी हिंदी और सामाजिक विज्ञान को मिलाकर 160 पद पर ही नौकरी दी जाना है, यानी इन विषयों में एक जिले में सिर्फ एक शिक्षक रखा जाएगा, जबकि पात्र उम्मीदवारों की संख्या 1,17,596 है। इसके विपरीत अंग्रेजी में 3,358 पद सुरक्षित किए गए हैं और 6,629 प्रतिभागियों की क्वालिफाई हुए हैं। दोस्तों जबकि पदों की तुलना में कम 4 गुना उम्मीदवार होना चाहिए। कॉमेवेश यही है कि यहाँ पर जो है अन्य विषय को भी यानी चार विषय में केवल 228 शिक्षक रखे गए हैं और क्वालिफाइड उम्मीदवार 1.5 लाख से अधिक हैं। दोस्तों यहाँ पर और भी विश्लेषण की तरफ से मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सर से कि 5,670 में से हिंदी शिक्षकों के लिए 100 पद ही रखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर शिक्षा विभाग ने 5,670 पदों पर जो है हिंदी में सिर्फ 100 ही पद रखे गए, लिहाजा एक जिलों में 2 हिंदी शिक्षक ही मिल पाएंगे। बायोलॉजी को जो है 50 पद दिए जा रहे हैं जबकि इसमें से 1,836 पद रिक्त हैं। इसके विपरीत 65% जो है 3,358 पद अकेले अंग्रेजी को दिए गए हैं, यानी कि बाकी 2,312 पदों पर 6 विषय के शिक्षक नियुक्त होंगे जबकि परीक्षा में केवल शिक्षा विभाग के प्रदेश में 35,690 पद ही खाली बताए थे। इनमें सिर्फ हिंदी शिक्षक 5,630 के पद खाली हैं। अब मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद सिर्फ 15% पद ही यहां पर भरे जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद होगा क्या कि जितने भी यहां पर जो शिक्षक रखे जाएंगे सिर्फ 15% पद रखे जाएंगे, तो बाकी के 85% का क्या होगा? फिर से जो है यहां पर शिक्षक रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक के रूप में रखे जाएंगे और उनको नियमितीकरण का जो है दाव पेच खेला जाएगा। नियमितीकरण देंगे हमारी सरकार बनाओ और वही वोट बैंक का यहाँ पर नाटक किया जाएगा। दोस्तों सात विषय में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको कुछ कटिंग दिख रही होगी। यहाँ पर विषय अंग्रेजी में जितने पद पर भर्ती होने वाली है वो है 3,358 लेकिन क्वालिफाइड 6,629 है। गणित में 1,312 है जबकि क्वालिफाइड 38,024 पद यहाँ पर जो है क्वालिफाइड लोग हैं। संस्कृत में 772 हैं भर्ती पद लेकिन 17,000 लोग क्वालिफाइड हैं। हिंदी में 100 पद खाली बताए जा रहे हैं और लेकिन 56,327 लोग क्वालिफाइड हैं। सामाजिक विज्ञान में 60, बायोलॉजी में 50 और उर्दू में 18 यहाँ पर जो खाली पद खाली बता रहे हैं लेकिन 61,269, 41,699 और 592 जो है टोटल क्वालिफाइड यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। दोस्तों यहाँ पर पुरानी प्रक्रिया है, जो भी सुधार संभव हो सकेगा वह करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहना है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का। तो स्कूलों के जो है यहाँ पर वर्ग 2 के तहत होने वाली शिक्षकों भर्ती में यहाँ पर काफ़ी पुरानी 2018 में विभाग में उस वक्त स्थिति देखते हुए पद का विभाजन किया गया था। इसके लिए इस विषय में अधिकारियों से चर्चा करेंगे।
अब जो भी सुधार गुंजाइश होगा उसको यहाँ पर विचार किया जाएगा, यह इंदर सिंह परमार जी स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वक्त 2018 में भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, यही लोग थे जिन लोगों ने भर्ती को निकलवाया था, यही कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर इन्होंने ही सब कुछ तोड़ मरोड़ के इधर उधर कर दिया और अब कह रहे हैं कि जो उस वक्त थे उन वक्त थे, और यहाँ पर जो है बातें हवा में की जाने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी यहाँ पर भर्ती करवाई जाए, तो आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते कि यार हमारा सपोर्ट करें तो फटाफट से नीचे गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्विटर अकाउंट पर यहाँ पर जाकर रिट्वीट कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।